तो आपने रिजाइन कर दिया वहां और से? सितंबर नहीं सर, रिजाइन नहीं किया सर, वही सर घर का इशू, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ सर, तो घर में बोले तो जॉब नहीं छोड़, पीजी नहीं होने से चलेगा लेकिन जॉब तो छोड़ नहीं सकता, तू कैसे पढ़ाई करेगा तेरे ऊपर। मैं ओके अकेला ही रहता था सर वहां, बाहर गांव में कोई लाके खाना दे देता था या फिर मैं खुद बनाता था एक एक बार, वही खा के चल रहा था काम। तो सर तो आपने किचन मतलब खुद खुद फोकस वहां पे अपार्टमेंट था जहां पे आप किचन सेट करा आपने खुद अपना पीजी नहीं सर, अपार्टमेंट मतलब वही पीजी की तरह रहता था के जैसे? हाँ एक, हाँ मतलब हाँ रेंट सर पे? वो हाँ गांव में सर, जी सर हाँ, मोस्टली रेंट भी नहीं मिलता था, मुश्किल से एक घर दे रहे थे रेंट, एक दो घर होते हैं उधर रेंट मिलने के लिए, वहीं में से ही एक मिल गया था मेरे को तो उधर रह रहा था। मतलब सिचुएशन ऐसा था कि लाइट नहीं रहती थी सर, दिन दिन मोमबत्ती में रह के पूरा रह जाता था नीचे, या फिर मैक्सिमम टाइम ड्यूटी से आने के बाद सर वही छत में गुजार देता था मैं। मतलब एक महीना तो पूरा छत में ही गुजरा है मेरा, क्या करूं कहाँ जाऊं इधर से बोल के। तो फिर वही इसी के चलते धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट किया सर, पढ़ना ही है, इधर से निकलना ही है जैसे भी। सर आई पास आउट माई MBBS फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज सर, IIT मेडिकल कॉलेज विच इज इन राउरकेला सर, इन ओडिशा। सो उधर से ही मतलब क्लिनिकल पोस्टिंग में सर, MBBS फाइनल ईयर में तो मोस्टली हम लोग मेडिसिन का ही पोस्टिंग ज्यादातर ध्यान से देखते थे, और मेरे टाइम में सर कोविड आ गया था तो बाकी पोस्टिंग उतना कुछ हुआ नहीं सर, तो मेडिसिन के प्रति ही लगाव रह गया स्टार्टिंग से, तो तभी से ही मेडिसिन सब्जेक्ट मेरा प्रेफरेंस बन गया था। लेकिन सोचा नहीं था सर कभी मतलब पीजी के करना होता है, मैं जो बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ उसमें MBBS हो गया, मतलब मैं गांव का एक ही लौता डॉक्टर हूँ सर। तो वहीं से ही पापा लोग घर में बोले हाँ अभी तो हो गया डॉक्टर बन गया, अभी ज्वाइन कर लेते हैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कहीं पे डॉक्टर में, और बस हो जाए, हो गया अभी। लेकिन वही सर देख के तब सर मैं कुछ सब्सक्राइब नहीं किया था सर, पहली बार आपका वीडियो पुराना, मतलब आप जो दिल्ली इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे वही जब रिकॉर्डेड क्लास नहीं होता था, नॉर्मल रिकॉर्डिंग्स होता था बैकग्राउंड में, हाँ सर तब वही मैं देखता था सर आपका वीडियो, मर्मर्स बस वहीं से ही मैं पढ़ा हूँ, पहला जो टॉपिक मैं पढ़ा था सर आपका मर्मर्स, और जो कि मुझे कुछ नहीं आता था, MBBS में रट के गया था, तो सिस्टोल डायस्टोल मर्मर्स क्या क्या आता है वहीं से ही थोड़ा बहुत मुझे आइडिया मिला इतना एक चीज सिंप्लीफाई हो सकता है, बाहर सिलेबस है। मैं सर फाइनल ईयर में वही डेविडसन पढ़ा था सर, हैरिसन तो डर गया था मैं, वो खतरनाक बुक है वो, तो उसके चलते सर थोड़ा बहुत हो पाया कि अगर पढ़ सकता हूँ मैं तो फिर कोशिश करूंगा बोल के, इंटर्नशिप वैसे ही गुजर गया सर, कुछ तो उसमें खास पढ़ाई नहीं हुआ सर। इंटर्नशिप के बाद मैंने सर प्रेपलेडर ऐप में आपको देखा सर, क्या आप वही प्रेपलेडर में ही हैं उसके साथ गोविंद राय गर्ग सर फार्माकोलॉजी के, बस सर आप ही दोनों लोगों को देख के मतलब यूट्यूब में, और डेडिकेटेडली सर 2-3 महीना पढ़ाई चालू कर चुका था मैं, मतलब फुल फेज में प्रिपेयर था मैं एग्जाम के लिए जो नीट का होने वाला था, लेकिन सर वो फिर वो कोविड के चलते पोस्टपोन हो गया था सितंबर तक, उसी में ही मैं ज्वाइन, घर में बोले गवर्नमेंट जॉब है इसको कैसे छोड़ सकते हैं, और पीजी तो कभी ना कभी हो ही जाएगी, अगर तेरे भाग्य में होगा तो होगा, नहीं तो ये तो गवर्नमेंट ही है, तो तब मैंने वो ज्वाइन कर लिया सर। लेकिन काउंसलिंग के टाइम में सर जो जगह मुझे मिला वो मुझे मतलब मैं सोचा भी नहीं था ऐसा एक जगह मिलेगा, वो डीप इंटीरियर सर नुआपड़ा जो कि उड़ीसा का सबसे नक्सलाइट एरिया में एक आता है, मैं एक CSC में पोस्टेड था सर, तो उधर देखे वो लोग चाहते थे कि 24/7 एक डॉक्टर चेयर में बैठे रहना चाहिए, CSC है मतलब 24/7 खुला है हॉस्पिटल और एक डॉक्टर बैठना ही चाहिए उसमें, तो उसी के चलते ड्यूटी लॉन्ग आवर्स में स्ट्रेच होते गया, और वो CSC में सर पहले 6 महीने मैं अकेला डॉक्टर था सर, और एक गायनिक के डॉक्टर थे और बस मैं अकेला, हम दो लोग एक CSC चला देते सर। तो उसके बाद सर उसी साल और तो कुछ पढ़ाई हो नहीं पाई सर,
बस लास्ट September 11 को एग्जाम था, 6 दिन पहले से मैं पढ़ाई चालू किया, और 6 दिन में जो हो पाया 47,000 कुछ था सर लास्ट ईयर रैंक मेरा। तो बहुत डिप्रेशन में चला गया सर मैं कि अभी क्या हो सकता है। मेरे मेरे पास दो ऑप्शन था सर, मेरे से एक पीजी निकालना है जो भी हो पीजी करना है, और दूसरा सर वहां से निकलना है सर। वो ज्यादा मोटिवेटिंग था सर मेरे लिए, मतलब वो एरिया से मुझे जैसे भी निकलना है। तो फिर सर मैं September 11 को एग्जाम खत्म हुआ, September 30 तक तो वही डिप्रेशन में मैं चला गया, क्या करूं अभी, प्लान आउट कैसे करूं, क्या करूं। वही बीच में आपका ही एक एक वीडियो निकाल लेता था मैं, और एक मोटिवेशनल वीडियो कुछ अपूर मेहरा सर हैं ऑर्थोपेडिक्स के, उनका भी एक एक वीडियो देखता था मैं, वो सचिन के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में जो एक दो लाइन बोलते थे, वही बहुत थोड़ा बहुत मोटिवेट करता था कि अभी भी हो सकता है, उतना टाइम नहीं गया है। और ये डिसाइडेड था कि सर नीट अभी जल्दी ही होने वाला है, 6 महीना के अंदर, और तो इतना पास में है एग्जाम तो मैं निगलेक्ट तो नहीं कर सकता। मैं September 30 से कंटिन्यूअसली सर बैठ गया पढ़ने के लिए, तो आपने रिजाइन कर दिया वहां और से? सितंबर नहीं सर रिजाइन नहीं किया सर, वही सर घर का इशू, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ सर, तो घर में बोले तो जॉब नहीं छोड़, पीजी नहीं होने से चलेगा लेकिन जॉब तो छोड़ नहीं सकता, तू कैसे पढ़ाई करेगा तेरे ऊपर। मैं अकेला ही रहता था सर वहां बाहर गांव में, कोई लाके खाना दे देता था या फिर मैं खुद बनाता था एक एक बार, वही खा के चल रहा था काम। तो सर तो आपने किचन मतलब खुद खुद फोकस वहां पे पे वहां पे अपार्टमेंट था जहां पे आप किचन सेट करा आपने खुद अपना नहीं सर, अपार्टमेंट मतलब वही पीजी की तरह रहता था पीजी के जैसे? एक, हाँ, मतलब हाँ रेंट सर पे? वो हाँ गांव में सर, जी सर हाँ, मोस्टली रेंट भी नहीं मिलता था, मुश्किल से एक घर दे रहे थे रेंट, एक दो घर होते हैं उधर रेंट मिलने के लिए, वहीं में से एक मिल गया था मेरे को तो उधर रह रहा था। तो वो तो फिर कितने सर कितने मैं रूम्स थे जो आपके पास थे, मतलब जिस अपार्टमेंट में आप रह रहे थे या जिस जिस जगह पे आप रह रहे थे? सर 2 रूम था सर, एक मतलब बेडरूम था, एक गेस्ट रूम था, और बाथरूम एक था, किचन वही बेडरूम के अंदर ही था। तो तो आपने सर पहले मैं इससे पहले कभी खाना बनाया था आपने, मतलब दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू वर नहीं कुकिंग? सर, और फर्स्ट टाइम सर आई, मतलब मुझे एक पेन पकड़ना भी नहीं आता था, मतलब सिचुएशन ऐसा था कि लाइट नहीं रहती थी सर, दिन दिन मोमबत्ती में रह के पूरा रह जाता था नीचे, या फिर मैक्सिमम टाइम ड्यूटी से आने के बाद सर वही छत में गुजार देता था मैं। एक महीना तो पूरा छत में ही गुजरा है मेरा, क्या करूं कहाँ जाऊं इधर से बोल के। तो फिर वही उसी के चलते धीरे धीरे अपने आप को मोटिवेट किया सर, पढ़ना ही है, इधर से निकलना ही है जैसे भी। और सर उसके बाद मैं September 30 से ही मतलब डेडिकेटेडली टाइम टेबल बना करके मैं स्टार्ट कर लिया पढ़ाई सर। उसके बाद सर 1.5 महीना पढ़ा था, नवंबर में मेरे दादा मतलब जो मेरे ग्रैंडफादर हैं सर, उनका तबीयत डिटेरेट कर रहा था सर, उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, उनको गॉलब्लैडर में वो स्टोन था सर, तो वो माइक्रोलिथ्स था, तो उसका डायग्नोसिस ओडिशा में तो हो नहीं पाया, फिर हम लोग एशियन इंस्टीट्यूट गए हैदराबाद, तो वहां पे डायग्नोसिस हुआ, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चला वो माइक्रोस्टोन्स हैं इसलिए डायग्नोस नहीं हो पा रहा। तब सर वहां से रिटर्न आके फिर अपोलो में उनका ऑपरेशन हुआ, उसमें 1 महीना चला गया सर, बिल्कुल पढ़ नहीं पाया। तो उसके बाद इफेक्टिवली से आपके सर पास नवंबर फाइव फाइव मंथ्स थे आपके, उसमें 5 मंथ्स में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया? सर सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि सर मैं उसी बीच में पहले का जो वीडियो एक बार मैं देख चुका था सर, मोस्टली मेडिसिन का, फार्मा का जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है मेडिसिन, फार्मा, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब सब्जेक्ट मैं कवर कर चुका था सर ऑलमोस्ट। तब सर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं सोचा कि अभी टाइम कम है, तब सर वो नोटिस निकल निकल गया था कि मार्च में एग्जाम होगा बोल, तो मार्च में तो हाँ सर 2 महीना बस टाइम था। तब मैं स्टार्ट किया सर बस क्वेश्चन करना, मैं एक टाइम टेबल बना लिया, दिन में मॉड्यूल करना है, 5 से 7 मॉड्यूल करना है, जैसे भी खाऊं पीऊं नाचूं कुछ भी करके 5 मॉड्यूल आज खत्म करना ही है। तो 5 से 7 मॉड्यूल में मिनिमम रखता था टारगेट,
ज्यादा हो पाया तो अच्छा है, 10 मॉड्यूल तक भी कर लेता था दिन में, वाह। तो वही कंटिन्यू किया सर तो दो मतलब तीन महीना तक, वो ड्यूटी कंसिस्टेंस किया, बट आई मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आपने वो पूरी टाइम में मतलब हिम्मत नहीं हारी और आपने पूरा। मतलब मिनिमम मॉड्यूल लास्ट 3 महीना के लिए 5 था, और मैक्सिमम 13-14 मॉड्यूल तक भी किया हूँ सर, ड्यूटी आवर के बाद ओके। जितना भी, जिस दिन सर ड्यूटी रहता था उस दिन भी मतलब 5 मॉड्यूल करना ही है, चाहे 24 आवर शिफ्ट हो 48 आवर हो, करना तो बनता है, बोलते मैं पूरा 5 मॉड्यूल सर कर लेता था दिन में ओके, एटलीस्ट। तो उसके वेरी बाद नाइस। वही चला सर, फिर सर प्रिपेयर मेंटली पूरा मैं स्ट्रांग हो चुका था, अभी मार्च में एग्जाम दे के जैसे भी मुझे निकलना है, और सर फिर मार्च में सर एग्जाम 15 दिन पहले एनबी नोटिस एक निकाल दिया कि अभी पोस्टपोन हो गया एग्जाम अंटिल फर्दर नोटिस बोलते, तो फिर से ब्रेकडाउन हो गया था। अभी अभी क्या कर सकता हूँ मैं, 2 बार प्रिपेयर होके अभी फिर से बिखर गया था सर मैं पूरा, फिर से वही मोटिवेशनल वीडियोस के पीछे। देर इज नथिंग लाइक मोटिवेशन, डिसिप्लिन इज द ओनली मोटिवेशन, इफ यू आर डिसिप्लिन देन मोटिवेशन विल कम फ्रॉम योर विद इन। वही दिन था सर मैं रियलाइज किया कि बार बार मोटिवेशनल वीडियोस देखने से अच्छा डिसिप्लिन में मेरा ट्रैक में जो जा रहा था उसी को ही कंटिन्यू करता हूँ, तो मैं वही फोकस किया सर। और बस अभी डिफरेंस ये लिया कि सर मैं क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक का टॉपिक मैं उठाता था नोट से उसको पढ़ लेता था, तो हर दिन मैं वही करता था सर, जितना भी टाइम मिलता था दिन में 3 घंटा 4 घंटा ड्यूटी के बाद, तो वही कंटिन्यू किया सर। तो आपने ये जो मतलब एग्जाम ऑलमोस्ट क्रैक किया, दिस वाज लाइक विद द ड्यूटी, जो आपको 24 से 48 आवर्स की ड्यूटी यस वहां सर, पे हो रही थी, अभी आप वहां से रिजाइन कर यस दिया कि अभी भी आपका चल रहा है? नहीं सर मेरा चल रहा है सर अभी भी, अच्छा, ओके अभी 31 से ज्वाइनिंग है, ओके तो मैं गवर्नमेंट को लिख के अभी रिलीफ के लिए अप्लाई कर चुका हूँ सर, कल ही ओके ऑर्डर ओके। आया है। सो कल जैसे ही ऑर्डर आया सर आपको आपको ही पहले मैंने वो मैसेज अच्छा, तो किया सुबह छह बजे रिलीविंग का ऑर्डर आ गया ओके गवर्नमेंट से। हाँ सर ओके सर ओके, पीजी पीजी मिलने से ज्यादा खुशी सर रिलीव ऑर्डर मिलने का रिलीफ सर। ऑर्डर होने का। आई अंडरस्टैंड, आई बिल्कुल अंडरस्टैंड। एंड आपका जो आपने जो पॉइंट्स बोले ना, आई मीन देर आर पीपल जो मतलब जी हम कंप्लेन तो कोई भी कितनी भी कर ले, लेकिन आपका जो हार्डवर्क है, पेरिफेरी में सर रहना, पेरिफेरी में रह के खुद खाना सर बनाना, एक अपार्टमेंट में रहना जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, और फिर उसमें पढ़ते रहना सर पढ़ते रहना पढ़ते रहना, एंड लास्ट मोमेंट तक करते रहना, और जॉब छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं कि भाई मैं नहीं करना चाहता, आई एम गोना लीव, फैमिली जी जी का प्रेशर है। तो वेरी हाँ सर, इंस्पायरिंग पापा डॉक्टर। रिटायर्ड हो गए थे सर, सर पापा रिटायर्ड हो गए थे, फिर ओके। भाई भी पढ़ रहा था, तो घर में सोल अर्निंग पर्सन में ही था, तो उसी के चलते घर में बिल्कुल मना किए सर जॉब छोड़ने के लिए, नहीं, वेरी नाइस वेरी नाइस, तो आपने बहुत सही डिसीजन लिया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, जी सर एंड रियली प्राउड ऑफ थैंक यू योर सर हार्ड वर्क देवशीष। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, एंड आई एम रियली मतलब आपकी जो स्टोरी है, मतलब आई वुड लाइक एवरीबडी टू लिसन टू इट एंड गेट इंस्पायर्ड, जी बिकॉज मतलब थैंक एक्सक्यूजेस हम इतने बना सकते हैं, बट देन आपकी जो डेडिकेशन है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, कि मतलब इतना मेहनत किया आपने। एंड आप मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को भी रिगार्ड्स बोलिएगा, एंड यस कंग्रेचुलेशन भी थैंक करिएगा जरूर, यू एंड यू वुड डू यस ग्रेट ग्रेट। माय ब्लेसिंग्स एंड माय बेस्ट विशेस टू यू डॉक्टर देवशीष। थैंक यू सर। टेक केयर, टेक सर केयर। आपसे 2 मिनट बात हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही सर। सर कभी नहीं सोचा था सर मेडिसिन मिलेगी मेरे को और वही कर पाऊंगा ओके कभी लाइफ में, ओके मैं तो ओके एनाटॉमी भी लेने से ले ले लेने वाला था सर इस साल, ओके ओके। उतना अच्छा भी रैंक नहीं है सर, लेकिन अरे क्या करूं आप सर अपने अंडर एस्टिमेशन क्यों कर रहे हो? अंडर एस्टिमेट, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये नहीं कर रहा सर जितने भी टॉप, ये जितने भी लड़के हैं ना, सारे आपके साथ के, आप समझ लीजिए जी कि जी जो भी टॉप 15-20,000 में लड़के होते हैं, सबने इक्वल मेहनत किया है, सिर्फ उस दिन कितना जी किसका दिमाग चला और कौन कितना प्रेशर में हैंडल सर किया, वो वही मैटर करता है ना। सर मतलब सर वो ठीक है, मतलब टॉप 100 टॉप मेरा 200 वाले तो बहुत ब्रिलियंट लड़के होते हैं, वो तो मतलब नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम देम,
लेकिन बाकी जो सब है वो तो सर सब एवरेज लड़के, एवरी एवरेज पीपल लाइक यू एंड हाँ मी, एंड वो बस उस दैट मूवमेंट पे उतना आवर में ही 2 आवर्स में कितना ब्रेन क्लिक किया वही मैटर करता है एक्चुअली. सर, इस बार सर एग्जाम के टाइम मेरा मॉनिटर ब्लैकआउट हो गया सर। अगर सीपीयू ब्लैकआउट होता सर एग्जाम के टाइम हाँ तो मैं मैनेज कर लेता, वो कंप्यूटर हैंग होके रह जाता, वो टाइमर एक होता है एनवी का, हाँ हाँ तो हाँ उसमें हैंग होके रह जाता सर, मेरा मॉनिटर ही ब्लैकआउट हो गया। तो वो सेंटर में सर ना एसी ना फैन कुछ भी नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ उधर मेरा मॉनिटर एटलीस्ट चेंज कर दो। हाँ वो 10 10 मिनट के बाद सर आए मॉनिटर चेंज करने के लिए, उसके बाद वो मॉनिटर भी ब्लैकआउट मॉनिटर था, टोटल कुछ दिखा ही नहीं मेरे को। फिर और एक मॉनिटर, उसी के चक्कर में सर 20 से 25 मिनट मॉनिटर चेंज करने में वो इंस्टीट्यूट ले गए सर। फिर वही सर जेवियर इंस्टीट्यूट, एक मतलब एक हाँ अच्छे हाँ इंस्टीट्यूट मानते हैं हम लोग, वहीं पे मेरा सेंटर था सर, वहां पे ये ट्रेजेडी हो गया। मेरे दोस्त साइड में बैठा था, उसका सीपीयू मतलब ये खराब हो गया, उसका टाइमर रुक गया था सर, मेरा लेकिन तो टाइमर चल ही रहा था सर, ओ क्या माय करूं गॉड. सर। अगर थोड़ा डिफरेंट स्टोरी हो हाँ सकता डिफरेंट होता. था ट्रू 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 ट्रू. आई मीन देवशीष आपने तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद यू नो यू हैव सेड सच ब्रिलियंट थिंग्स. मतलब इमेजिन, आई मीन अगर मैं भी आपकी जगह होता तो आई वुड हैव रियली लॉस्ट इट, कि मतलब आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया तो मैं शायद कोप अप नहीं कर पाता. तो हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एंड हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस लेवल्स कि आपने मतलब इसको फॉलो किया. सो ग्रेट देवशीष, ग्रेट सर। टॉकिंग टू यू एंड गॉड ब्लेस यू.